तो ये वाले बनाए थे कोई क्वेश्चन? इसमें बाद में ना एक ही बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ भी है कि इफ दीज आर रिप्लेस्ड व्हाट इज द चांस दैट अनदर ड्रॉइंग, मतलब तीसरा जो ड्रॉ होगा, ठीक है ना, तीसरा जो ड्रॉ होगा ना उसमें 5 रुपए का सिक्का मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि केस कितने बन गए, ये केसेस बन गए, ठीक है ना, तो हर केस का होने का तो चांस वैसे वैसे नहीं बन रहेगा। अब ये तो पहले इसमें क्या आ रहा था, स्क्रीन दिख रहा है ना, ठीक है, पहले इसमें क्या आ रहा है, जीरो सर वर्टिकल कर दी, हॉरिजॉन्टल, पहले इसमें क्या हो रहा है, जीरो मतलब 4-5 रुपए का सिक्का था, ये जीरो 1 रुपए का कॉइन था, 1 रुपए का कॉइन है ही नहीं, है ना, फिर वैसे ही ये सब लिखा था, तो इसके होने की अब क्या ले रहा था, 2 1 रुपए का सिक्का, तो 2 1 रुपए का सिक्का यहाँ आएगा, तो इससे 2 1 रुपए का सिक्का आने का कितना चांस होगा, कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, दो तो 2C2 1/6 होगा ना, ठीक है ना, सबको इक्वली लाइकली ले रहे हैं, ठीक है ना, इक्वली लाइकली ले रहे हैं, तो इक्वली लाइकली ले रहे हैं, तब जाके ये कितना हो जाएगा, 2C2 बाय, तो ये आ जाएगा 1/6, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना होगा, 3C1/6, दैट विल बी हाफ, और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, जब सब है तो 1 ही आएगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर ये अगला ड्रॉ, तो यहाँ तक के ड्रॉ में जो है ये वाली वैल्यू होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप खत्म हो चुका है, ठीक है ना, एक पर्स है जिसमें 4 है, 1 1 रुपए का सिक्का और ये सब मिल गया, 1 रुपए का कॉइन है, इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 0, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अब क्योंकि तुमने जब वापस पर्स में रख दिया, तो यहाँ पर कितना होगा, इस वाले में हो जाएगा 1/6 divided by 1/6 + ½ + 1, ये होगा, और इधर हो जाएगा ½ divided by ½ + 1/6 + 1, और इधर हो जाएगा 1 divided by ½ + 1/6 + 1, ये होगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सबकी वैल्यू बताना, 1 divided by, तो हो जाएगा 1/2 + 1/6 + 1, तो एलसीएम हो जाएगा 12, और 6 + 2 + 12, 12 4 2 20 20 / 12, तो 12/20, तो 12/4 = 12, तो ये वाली वैल्यू तो 3/5 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 2 3/10, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 1/10, 1/10 आ रही है, 1/10, ये होगा। अब जाके सैंपल स्पेस जो, सर आप वहाँ प्रोबेबिलिटी करके 0 0 वो जो एरो के नीचे लिखा वो कौन किस चीज का है प्रोबेबिलिटी, वो इसका है, इसके होने का, क्योंकि अब ये तो जीरो है ना, इसके आने के तो जीरो चांसेस है, तो 0 divided by something भी करोगे क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। सर तो आप वहाँ पे भी लिखे ना एरो के बगल में 0 0 1/6, तो वही है ये वाला, ये वाला, ये तो ये होगा कि 2 1 रुपए का सिक्का, 2 1 रुपए का सिक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी 0, 2 1 रुपए का सिक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी 0, ये वाला, ये क्या हो गया ना, हाँ ये वाला, ये हो गया ना कि उसने बोला क्या कि दो कॉइन्स तुमने ड्रॉ किया और मिला तुमको क्या कि वो दोनों 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि अब जो है पहला इसमें तुमने ये लिया ना कि दोनों कॉइन्स जो है वो, मतलब पहले में क्या लिया था कि इस वाले केस में क्या लिया था, इस वाले केस में क्या है कि चारों कॉइन्स जो 1 रुपए का सिक्का है, एक होगा, तो
अब इसके होने के कितने चांस होंगे, इस टर्म के होने के कितने चांस होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड भी तो करेंगे। यस सर। है ना, मतलब अब तुम कह रहे कि हम जो है तीन केस मेरे पास बन रहा है, केस वन, केस टू, केस थ्री। केस वन होने की प्रोबेबिलिटी पी वन है, इसके होने की पी टू है, इसके होने की पी थ्री है, ठीक है ना। तो अब हम कहें कि पी वन हो रहा होगा, इसके होने के चांसेस कितने होंगे, पी वन बाय पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे ना। तो वो चीज यहाँ कर दिया। अब क्या है कि अब जो है वन कॉइन इज ड्रॉन, अब यहाँ पे क्या है, एक कॉइन ड्रॉ करो, एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हो, तो एक कॉइन जब ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे वापस उसको पुट कर दे तो सैंपल स्पेस तुम्हारा यही बन गया, ठीक है ना। तो सैंपल, तो ये सब तो इसमें तो कुछ करना है नहीं। इसमें क्या होगा कि दो 5 रुपए का सिक्का और दो ये, तो एक लेना है, 2c1 डिवाइडेड बाय 4c1, एक ही ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें एक 5 रुपए का सिक्का है तो 1c1 डिवाइडेड बाय 4c1, और ये तो जीरो हो जाएगा। तब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो आ जाएगी 1/10 इंटू 2/4 प्लस दूसरा कितना है 1/4 इंटू 3/10, तो 3 और 2 5, 5/40, तो ये वैल्यू होगी 1/8, ठीक है ना। ये करना, समझे सर? बोलो सर, वो जीरो वाला केस इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी जीरो है। हाँ, मतलब अब पांच रुपए का कॉइन ही नहीं है उसमें, 5 रुपए का कॉइन ही नहीं है, तो अब 5 रुपए का कॉइन कहाँ से निकालोगा, 5 रुपए का कॉइन तो है ही नहीं ना उस केस में। सर, जो शुरू में आप अब शुरू वाले में, ठीक है, शुरू वाले में लिखना भी है तो चारों 5 रुपए का सिक्का है, इसको में से एक निकाल दो, एक होगी प्रोबेबिलिटी, है ना। इसमें तीन है तो 3 5 रुपए का सिक्का है तो 3 में से 1 निकाल दो डिवाइड बाय 4c1, ये होगा। लेकिन अब इनको तो मल्टीप्लाई ये जीरो से हो जाएगा ना, 0 × 1 0 × 3/4, तो जीरो ही रहेगा, इसी दोनों स्टेप पे आया आंसर, तो ये हो गया, समझ गए। अच्छा, एनसीईआरटी बना है तो कुछ पूछना है? और सब तो बना ले, कुछ कुछ क्वेश्चन और करना है। एक ये करो, तो हम क्वेश्चन भेजते हैं सर। हाँ बोलो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 रुपया और 5 रुपया का कॉइन निकालना इंडिपेंडेंट है ना? इंडिपेंडेंट है ना, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट कैसे होगा? दो अलग अलग इवेंट कर रहा है। दो अलग अलग इवेंट कर रहा है? नहीं ना, तो मल्टीप्लाई तो किया ना दोनों का प्रोबेबिलिटी, यहाँ मल्टीप्लाई तो किया ना, ये मल्टीप्लिकेशन ही तो हुआ। अच्छा, हम ये सर 1 रुपए वाला में सोच रहे थे, है ना, वो मल्टीप्लाई तो किए ना। पहला वाला तो शायद एनसीईआरटी में ही होगा।
एक क्वेश्चन, पहला दूसरा तो थर्ड वाला खाली बनाना है अभी, पहला दूसरा का भी बना लेना कर रहा रुक जा। एक तो थर्ड बनाना खाली, पहला दूसरा बना लोगा अगर भी बना लेना। मैन ड्रॉज अ सैंपल ऑफ थ्री कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक पाइल ऑफ एट कार्ड्स कंटेनिंग फोर एसेस फोर किंग्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल स्पेस कंटेन्स एट लीस्ट टू एसेस गिवन इट कंटेन्स एस ऑफ स्पेड्स। थर्ड बनाओगे फोर्थ में क्या होगा, दो चार बार ये वाला बनाना है, थर्ड करना और इधर से फोर्थ करना, तो पैक ऑफ कार्ड फिफ्थ तो शायद करा दिया, एक सिक्स्थ करना। व्हेन बैक कंटेंस फाइव व्हाइट फोर रेड बॉल्स टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैक वन आफ्टर अदर विथ रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी रेड बॉल वाला तो ये भी हो ही जाएगा। अगर नए बॉल इज ट्रांसफर्ड एक आठवां बस इतना, ये चारों अभी करना आगे एक बार बना लेना घर पर। और थर्ड का हो गया, इंश्योरेंस कंपनी सब पेंस आती मुझे होगा। A man draws a sample of three cards without replacement from a pile of eight cards. आज के बाद फिर जो है ना क्लास दो तीन दिन जो एक बार ना लास्ट ईयर का क्वेश्चन आईटी का एडवांस का जरूर बनाना, सब बेस थ्योरम पे ही होगा, मोस्टली बेस थ्योरम पे है, इसीलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हेलो क्या
पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि एक आदमी सैंपल ऑफ थ्री कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पाइल ऑफ एट कार्ड्स, आठ कार्ड है तुम्हारे पास जिसमें चार एस है और चार किंग्स है, probability that the sample space contains at least two aces given it contains ace of spades. बना देखो, एक आदमी है तो जो तुम्हारे पास सैंपल स्पेस है उसमें एस है और चार किंग्स है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी डेट सैंपल स्पेस में कम से कम दो, गिवन डेट इट इज इट कंटेन्स एस ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ स्पेड्स है ये, तीन कार्ड्स वो निकाल रहे हैं, मैन ड्रॉज ए सैंपल ऑफ थ्री कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम पाइल ऑफ एट कार्ड्स, एट कार्ड्स है, प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल स्पेस में कम से कम दो एस होना चाहिए गिवन दैट इट कंटेन्स एस ऑफ स्पेड्स, स्टार्ट करो, तो कितना कार्ड है, आठ कार्ड है, आदमी है आठ कार्ड ड्रॉ कर रहा है जिसमें से क्या होगा तीन कार्ड्स को निकाला, तो तीन कार्ड्स क्या हो सकते हैं, जीरो एस, तीन किंग, एक एस और दो किंग, और क्या होगा दो एस दो किंग, और क्या होगा तीन एस जीरो किंग, ठीक है ना, ये उसने निकाला है, हटा देंगे, अच्छा एक ही किंग होगा, सॉरी
तीन ही निकाला ना, तो एक तीन होगा यहाँ पर, दो एस एक तीन। अब ठीक है, अब सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल बता दो। आदमी निकाल रहा, इसमें से मेरे पास क्या है, इसमें चार एस है और क्या है, चार किंग है, तो ये होने का कितना होगा, फोर सी थ्री डिवाइडेड बाय एट सी थ्री। हो जाएगा ये वैल्यू कितनी आएगी, 8 सी 3 कितना होता है, 56। 8 सी 3 हो जाएगा तुम्हारे 56, तो ये आ जाएगा 4/56। ये कितना होगा, क्या होगा, तीन कार्ड ड्रॉ कर रहा ना, इसमें किया क्या मैंने, ये वाला केस क्यों ले रहा है, ठीक है, आठ में से क्या कह रहा है, तीन कार्ड ड्रॉ कर रहा, तो वो ये केस हो सकता है कि तीनों ऐसा आ जाए, तीनों ऐसा आ जाए, तीनों ऐसा आ जाए, ठीक है ना। और इसका केस कितना होगा, सेकंड का ये केस होना चाहिए और दो किंग होना चाहिए, तो 4c1 × 4c2 डिवाइडेड बाय 56 ये आ जाएगा। इसमें कितना होगा, दो एस 4c2, ये भी वही होगा, इसमें क्या तीन एस है, तीन एस है तो 4c3 डिवाइडेड बाय, तो यह आ जाएगा 4/56, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि गिवन दैट सैंपल स्पेस व्हाट इज द, अच्छा गिवन दैट कहाँ है कि पाइल विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट ही किया मैंने, रिप्लेस नहीं कर रहे, तो विदाउट रिप्लेसमेंट करते क्या कहते, पहला एक का आने का चार, दूसरा एक का आने का तीन, ऐसे ही करते ना, विदाउट रिप्लेसमेंट ही हुआ है। अब क्या कह रहा है कि दिया हुआ क्या है, आठ कार्ड से निकाल, प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल स्पेस में दो एस होना चाहिए, गिवन इट कंटेन्स एस ऑफ स्पेड्स, गिवन दैट इट कंटेन्स एस ऑफ स्पेड्स। अब जो है ये दिया हुआ है कि मेरे पास एस ऑफ स्पेड्स है, एस ऑफ स्पेड्स अगर है तो एस ऑफ स्पेड्स है तो ये वाला केस तो जीरो हो जाएगा, इक्का है ही नहीं, ये केस होगा। अच्छा उसमें मैंने गलत कह दिया, रुक जाओ, सब प्रोबेबिलिटी पहले लिख ली, पहले नहीं लिखनी चाहिए थी, पहले नहीं लिखना चाहिए था, पहले बना लेते ना। अब उसने क्या बोला आगे में कि दिया हुआ है कि तुम्हारे पास एस ऑफ स्पेड्स है ही है, एस ऑफ स्पेड है। अब जब एस ऑफ स्पेड है तो इस वाले होने के चांस क्या होंगे, ये वाला तो खैर जीरो हो जाएगा, एक आना चाहिए, तो एक तो वो एस ऑफ स्पेड हो जाएगा, है ना, जब बोल दिया कि एस ऑफ स्पेड है तो वो एस ऑफ स्पेड होगा, बचा कितना किंग, किंग में से दो किंग ले लो, 4c2 डिवाइडेड बाय 56 ये हो जाएगा। इसमें दो एस है तो एक तो फिक्स हो गया, बचेगा तीन, तीन में से एक लेना है और डिवाइडेड बाय 56 तो हो जाएगा 3/56। तीन इक्का है तो तीन में एक आ जाएगा एस ऑफ स्पेड, स्पेड का इक्का कह रहा ना, ठीक है, स्पेड का इक्का ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक स्पेड का एस ये हो गया, अब बचा कितना एस, तीन, तीन में से है ना, और डिवाइड बाय 56। हाँ बोलो सर, आप विदाउट रिप्लेसिंग कर रहे हैं तो 4c2 क्यों लिखे हैं, क्या होगा सर, विदाउट रिप्लेसिंग कर रहे हैं तो सर 4c2 क्यों लिखे हैं, 4c2 इसलिए लिख रहे हैं ना कि 4c2 इसलिए लिया है कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही तो होता है 4c2, तो फिर कैसे करते बताओ, अगर 4c2 नहीं करते तो फिर कैसे करते, ये बोलो, फिर ऐसे करते ना 4 × 3 × जो भी है, तो यही तो होता है ये, और ये सेम है ना, 4c2 का मतलब क्या हो गया कि विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है, तो इसमें क्या हो गया, एक एस है तो एक तो एस ऑफ स्पेड आ जाएगा, एक एस ऑफ स्पेड आ गया, और
ये केस ऑफ स्पेड मैंने ले लिया, अब बचा कितना, कितना कार्ड ड्रॉ किया मैंने, तीन है ना, तीन कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक स्पेड ले लिया और बचा क्या, गिवन दैट एस ऑफ स्पेड है ना, एस इसमें और क्या करेंगे, और कुछ गिवन है क्या, ए मैन ड्रॉज अ सैंपल ऑफ थ्री कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के तीन कार्ड वो ड्रॉ कर रहा है, फ्रॉम अ पाइल ऑफ एट कार्ड्स कंटेनिंग फोर एसेस फोर किंग्स, चार एस चार किंग्स है, प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल स्पेस कंटेन्स एट लीस्ट टू एसेस होना चाहिए, गिवन इट कंटेन्स एस ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ स्पेड्स वो कंटेन कर रहा है, ठीक है ना, एस ऑफ स्पेड्स तो है ही है, तो यहाँ पर एक एस और ठीक है, ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसमें से इसको ड्रॉ कर दो, इसमें से ये होने का कितना होगा, चार एस और मतलब जीरो एस तीन किंग, कितना होगा, एक भी एस नहीं है, जीरो हो जाएगा, एक एस होने का कितना होगा, ये वाला बताना, एक एस चार में से एक एस ले लिया और बड़ा सा फिगर बनाना पड़ता, फोर सी वन इंटू कितना होगा, दो किंग लेना, फोर सी टू डिवाइडेड बाई एट सी थ्री, ये होगा तो कितना आ जाएगा, छह जगह चौबीस बाई छप्पन, ये कितना होगा, फोर सी टू, दो किंग ले लिया, एक ए, दो एस ले लिया, एक किंग ले लो, डिवाइडेड बाई छप्पन, तो ये भी कितना आएगा, चौबीस बाय छप्पन, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, तीन एस ले लो, फोर सी थ्री, और एक भी किंग नहीं ला, तो फोर सी जीरो डिवाइडेड बाय छप्पन, ये आ जाएगा चार बाय छप्पन, और पहला वाला जो है वो भी क्या होगा, चार बाय छप्पन ही आएगा। अब क्या इसमें एक, ठीक है ना, ये अब दिया हुआ क्या है कि एस ऑफ स्पेड्स आ रहा है, तो अब तुमने क्या किया कि चार चार में से एक एस लिया है और वो क्या है, एक एस ऑफ स्पेड है, एक एस एस ऑफ स्पेड है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे कि एक ही साथ लिख दें, अब तुम्हारे पास एक इक्का आया और तुमने एक इक्का लिया है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाय फोर होगी, और दो एस लिया है तो दो एस में एक ये हो गया और डिवाइडेड बाय, और इनटू कितना होगा, और एक जो है अदर कार्ड होगा, तो तीन बचेगा, तीन में से एक कार्ड डिवाइडेड बाय फोर, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा तीन एस लिया है, तीन में से एक एस ऑफ स्पेड होगा, बच गया दो कार्ड, दो कार्ड कितने में से, थ्री सी टू डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या होगा, कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट दो, ये इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, चौबीस बाय छप्पन इंटू थ्री बाय फोर प्लस फोर बाय फिफ्टी सिक्स इंटू थ्री बाय फोर, तो अठारह प्लस, मतलब तू चार बार तो ज्यादा ही हमको लगता है कि ये चढ़ गया, और फिर मन मन चढ़ गया, चढ़ गया, हां हां हम पास कर यार ना, आंसर नहीं आ रहा इसमें, कहां पर होगा, सैंपल का स्पेस कंटेन्स एट लीस्ट टू एस, सैंपल स्पेस में कम से कम दो एस होना चाहिए, तो दो एस होने के लिए कंडीशनल तो लगा रहे हैं, इसमें क्या किया, वही तो कह रहे थे ना, दो एस है, एक फिक्स हो गया, थ्री बाय फोर हो जाएगा,
चौबीस साल यहाँ पर चार बाय छप्पन तो तीन बाय फोर तो तीन चलो इसको भी बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं थर्ड के बाद ये फोर्थ वाला। सर इसमें आप सेकंड बोलो टू रेस वन किंग में वन बाय फोर इनटू थ्री सी वन क्यों किए हैं? मतलब दो एस ले रहे हैं ना, मतलब एक एस ले रहे तो वो तो एस ऑफ स्पेड आ जाएगा और चार एस है ठीक है ना, और इसमें क्या किया है सर? तो थ्री एस और जीरो किंग में थ्री सी टू किए हैं आप, तो उसमें तीन हो गया ना। अच्छा यहाँ पे अब क्या है कि मेरे पास चार एस था, चार एस में से एक एस ऑफ स्पेड लिया है तो ये तो वन बाय फोर हो जाएगा, चार एस में से दो एस सिलेक्ट कर लिया है तो ये और दोनों में से एक एस ऑफ स्पेड होगा और एक तीन में से कोई कार्ड आएगा डिवाइडेड बाय फोर सी टू हो जाएगा, दो एस का आया तो डिवाइडेड बाय फोर सी टू होगा तो ये आ जाएगा हाफ, और ये वाली वैल्यू तीन एस लिया है, तीन एस लिया है तो नीचे तो फोर सी थ्री होगा, ऊपर एक और इनटू बच जाएगा तीन में से कोई दो और कार्ड लिया होगा तो ये आ जाएगा थ्री बाय फोर, तो ये वाली वैल्यू सर इसका के साइड होगा ना क्योंकि एक ही जीरो है ना, किंग वाला केस तो ऊपर ले ही लिया ना तो डायरेक्ट लिस्ट बनाना चाहिए था। आवाज नहीं आ रही है, रुक जाओ, तीन केस का ऐड होगा गिवन दैट कि एस ऑफ स्पेड तो आ चुका है, तो एस ऑफ स्पेड आ चुका है पता है इसमें इतना नहीं करके गिवन दैट एस ऑफ से भी जा सकते हैं, इस पे हम देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ होगा, ऐसे अगर लेते देखो ऐसे करके एक बार ट्राई करते हैं, एक आदमी बस तीन कार्ड एट कार्ड चार इक्का है और चार तीन है, बता रहे दैट सैंपल स्पेस में दिया हुआ है कि क्या कर रहा है, एक तो एस स्पेड है ठीक है ना, एक एस स्पेड तो फिक्स हो गया ठीक है ना, अब एक और इक्का होगा, दो इक्का होगा और प्लस दो का चार कार्ड तीन कार्ड ड्रॉ कर रहा था, सॉरी तीन कार्ड ड्रॉ कर रहा था तो एक किंग हो जाएगा ये केस, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक एस ऑफ स्पेड तो फिक्स है प्लस दो और इक्का ले आए वो तो तीन कार्ड दो एस एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, या तो दो इक्का आएगा नहीं तो तीन इक्का आएगा, यही केस होगा ना समझे? Yes. अब ये पहला वाले में क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा, अब तुम कितना कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, तीन कार्ड कितने में से, आठ में से, तो नीचे तो आठ सी थ्री होगा, ऊपर क्या होगा एक इक्का तो फिक्स हो गया तो चार एस में से एक एस तो हट गया है ना, चार एस है और चार किंग्स है खाली, तो एक एस हट गया बचा कितना एस, तीन एस, तीन में से एक एस सिलेक्ट कर लिया मैंने और ले आए और बच गया चार में से एक किंग सिलेक्ट कर लो, ये होगा है ना, चार में से एक किंग सिलेक्ट कर लिया तो गया, और दूसरा क्या है एक एस तो फिक्स हो गया, अब बचा कितना दो एस और लाना है तो तीन में से दो एस ले लो, थ्री सी टू डिवाइडेड बाय आठ में से तीन कार्ड, तो यही तो कह रहे हैं बारह तो आ रहा पंद्रह बटा छप्पन है ना, पांच बाय सात आ रहा है क्या, किससे कटेगा चलो इसको देखते हैं, उसमें शायद कुछ आंसर में या किसी में गलती होगा, रुक जाओ देखते हैं, फोर्थ बनाओ,
करना तो यही है इसमें. फोर्थ वाला, एक कॉइन इज टॉस्ड, ये ठीक होगा, एक कॉइन इज टॉस्ड इफ द रिजल्ट इज हेड. एक कॉइन को टॉस किया, अगर रिजल्ट हेड है तो पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड. रिजल्ट टेल है, एक कार्ड निकालेंगे 11 नंबर्स के जो ऐसे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 तक, और नंबर को नोट किया तो प्रोबेबिलिटी दैट दैट नोटेड नंबर इज 7 और 8. तुमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि नोटेड नंबर जो है वो 7 या 8 होगा. सर 11 कार्ड्स के बाद क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम इलेवन कार्ड नंबर्ड 11 कार्ड्स नंबर्ड, ठीक है ना, वो नंबर है 2 से 12 तक. इतना आ रहा अगला. एक कॉइन को टॉस किया है, इफ ए रिजल्ट इज हेड,
अगर हेड आया होगा तो ये वाला सिंपल है, स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, कॉइन टॉस होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी हाफ, एक कॉइन इज टॉस इफ द रिजल्ट इज हेड, है ना। एक अगर हेड आया है तो क्या कह रहा है, पेयर ऑफ डाइस रोल, अगर हेड आया है तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डाइस रोल करोगा, और अगर पेयर ऑफ डाइस रोल और नंबर ऑब्टेंड बाय एडिंग द रिजल्ट्स, डाइस रोल करोगे और नंबर ऑब्टेंड पेयर ऑफ डाइस रोल नंबर ऑब्टेंड इज एडेड, जो नंबर आएगा उसको ऐड कर दिया। और अगर टेल आया है तो क्या करना, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इससे, कहां से, दो तीन चार से लेकर 12 तक में से, 12 कार्ड है उसमें से 2 3 4 5 6 में से एक कार्ड उठा लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी दैट अ नोटेड नंबर इज 7 या 8। अब जो तुमने यहाँ से नंबर नोट किया है वो नंबर क्या होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए या नहीं तो 8 होना चाहिए, नोटेड नंबर इज 7 और 8, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी तो 2/11 होगी, ये वाले तुम दो ही नंबर सेलेक्ट करोगे ना, या तो 7 या 8, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम 7 या 8 आना चाहिए। दो डाइस पे सम 7 कैसे आ सकता है, 6 1 5 2 4 3 बस, और 8 कैसे आ सकता है, 6 2 5 3 4 4, समझे ना, x माइनस 1 करके शुरू में भी बता रखा है, तो ऐसे कर लो तो कितना केस हुआ, 3 3 6 3 9, 9 + 3 3 6 उल्टा हो गया, सॉरी दो ही है ना, तो 2 है तो 2 2 4 और 2 6 + 2 2 4 1 5 बाय 36, सेकंड समझे, तो हो गया बस, रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, कह रहे कि 7 ही 8 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 × 11/36 + 1/2 × 2/11, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, यही होगा 36/11, 792 से शायद सब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, 36 × 22 कितना हो जाएगा, 792 एलसीएम हो जाएगा, 792 और ये हो जाएगा 36 × 11, तो 121 हो जाएगा, और प्लस ये 11 × 2 = 36, तो 72 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 3 7 9 1 193/792, ये हो गया, समझे। फोर्थ हो गया, सिक्स्थ में क्या है, सिक्स में ए बॉक्स कंटेन्स एन कॉइन्स, एक बॉक्स में एन कॉइन्स है, एम ऑफ विच आर फेयर, एम जो है फेयर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अनफेयर कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक बॉक्स में एन कॉइन्स है जिसमें स्मॉल एम जो है वो फेयर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अनफेयर कॉइन इज टॉस्ड, अगर अनफेयर कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, एक कॉइन को ड्रॉ किया बॉक्स उससे और 2 बार टॉस किया, फर्स्ट टाइम पे हेड आया और सेकंड टाइम पे टेल आया, प्रोबेबिलिटी कि ड्रॉन कार्ड जो है वो फेयर होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी,
सर इसके बाद बॉक्स वाला बनाना है, ये वाला फोर्थ सिक्स वाला जिसमें टिक है सिक्स और से एट, ये बॉक्स कंटेन एन कॉइंस है जिसमें एन फेयर है और एन अनफेयर है। बन गया Thank you.
इसमें क्या कह रहे हैं, एक बॉक्स है सिक्स में कह रहे हैं एक बॉक्स है, ये बॉक्स कंटेन्स एन कॉइन्स विच एम आर फेयर। तो एन कॉइन्स है जिसमें फेयर अनफेयर दिया हुआ ना, n coins है, m of which are fair, m fair है, तो n minus m जो है वो क्या होगा, unfair, getting head when fun fair, सबसे पहले select करोगा तो हमारे पास क्या आ सकता है, fair आ सकता है या नहीं तो unfair coin आएगा, ठीक है ना। तो फेयर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एम डिवाइडेड बाय टोटल कॉइंस, और इसकी कितनी होगी, एन माइनस एम डिवाइडेड बाय एन, ये हो गया, ठीक है ना। आप क्या कह रहे हैं कि व्हेन अनफेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, क्या हो गया सर, एन फेयर, आप एम फेयर लिखे, एम है एम ऑफ विच आर फेयर, ठीक है, टोटल कैपिटल एन कॉइन्स है जिसमें स्मॉल एम जो है वो फेयर है, यस सर समझ गया, ये था। तो अब क्या है कि एक कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है ना, एक कॉइन इज टॉस्ड, कहां गया, हां एक कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम बॉक्स से, टॉस किया, दो बार टॉस करना, ठीक है ना, दो बार टॉस करना तुमको, फर्स्ट टाइम इट शोज हेड एंड सेकंड टाइम इट शोज टेल, ठीक है ना, दो बार टॉस किया तुमने, ठीक है ना, द फर्स्ट टाइम इट शोज हेड एंड सेकंड टाइम इट शोज टेल, दो बार टॉस करोगे तो, हाँ फेयर को दो बार टॉस किया है और इसको भी दो बार टॉस करोगे तो क्या कह रहे हैं, क्या आएगा तुमको, हेड और फर्स्ट टाइम इट शोज हेड एंड सेकंड टाइम इट शोज टेल, ये आ रहा है, हेड और टेल आ जा रहा है। तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेयर को करोगे तो हाफ इंटू हाफ होगा, अनफेयर को करोगे तो कितना है, टू बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री, ये स्टेप समझे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज फेयर, ड्रॉन कार्ड क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, तो ड्रॉन कार्ड फेयर यानी ये, तो ये स्टेप लिखना है, तो कितना हो जाएगा, m divided by n into 1 by 4 divided by m by n into 1 by 4 plus n minus m divided by n into 2 by 9 तो 1 by 4 काट देना, n n भी काट देना, तो ऊपर हो जाएगा m हो जाएगा और LCM हो जाएगा 9, तो ऊपर चला जाएगा 9m और नीचे होगा 9m हो जाएगा प्लस 8n माइनस 8m, ये हो गया 9m डिवाइडेड बाय 8n प्लस m, ये आ जाएगा। अनफेयर वाला बता दीजिए क्या चीज, बोलो अनफेयर वाला, अनफेयर है ना, जैसे ये कह रहा है ना कि जब बॉक्स में से तुम निकालोगे तो उस बॉक्स में क्या कह रहा है कि n कॉइंस है, n कॉइंस है, उस n में से m फेयर है और n माइनस m अनफेयर होगा, टोटल n कॉइंस दिया था तो m फेयर हो गया तो n माइनस m अनफेयर कॉइंस है, तो अगर फेयर निकालोगे तो फेयर की प्रोबेबिलिटी m बाय n और अनफेयर की प्रोबेबिलिटी n माइनस m बाय n। तो अब क्या है, अगर फेयर निकाला है और फेयर में से एक हेड एक टेल आना चाहिए, है ना, यहाँ से क्या किया, दो कॉइन टॉस किया, टू कॉइन टॉस्ड, दो कॉइन मतलब उसी को दो बार टॉस किया, एक कॉइन लिया, टू टाइम्स टॉस्ड, तो पहली बार हेड आया तो हेड आने का हाफ टेल आने का हाफ, इसमें अनफेयर में हेड आने का टू बाय थर्ड दिया हुआ है ना, तो हेड आने का अगर टू बाय थर्ड है तो टेल की प्रोबेबिलिटी वन बाय थर्ड होगी, ये अगर हेड की है तो ये क्या होगी, टेल की, अनफेयर कॉइन है ना, अनफेयर कॉइन है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में, देखो टू बाय थर्ड है, टू बाय थर्ड है, फेयर अनफेयर कॉइन मतलब सर, बताया नहीं था शुरू में, फेयर अनफेयर का मतलब बायस्ड कॉइन है और क्या, अच्छा हाँ यस, मतलब सब इक्वली लाइकली नहीं है ना, ये वाला बना,
एक बैग है जिसमें 5 white 4 black balls है, another bag contains 7 white 9 black, ठीक है ना, 7 white and यहाँ पर ये 9 black है, ये वाला बनाओ। सर 68 by 153 लिखा हुआ है। सर आप 9 भी लिखे हैं, 7W and 9B, 7 white and 9 black ball। एक बैग में क्या है, 5 white 4 red है, और दूसरे बॉल्स में इसमें क्या है, एक बैग है जिसमें 5 white and 4 red balls है ना, ये 5 white 4 black balls, another bag जिसमें 7 white 9 ball है, एक बॉल ट्रांसफर किया फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकंड एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड वन, ये काम है।
क्या है? एक बैग है जिसमें 5 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एक क्वेश्चन समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। दूसरा बैग है जिसमें 8 व्हाइट है और 9 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना। ये है, अब क्या कह रहे, ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, एक बैग में ये ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकंड एंड देन ए बॉल इज ट्रांसफर्ड। अब क्या कह रहे, बैग वन से एक बॉल सेलेक्ट करोगे, है ना। एक बॉल जो है बैग वन से ट्रांसफर कर रहा है, बैग वन को सिलेक्ट करो। तो बैग वन से एक बॉल क्या हो सकता है, व्हाइट आ सकता है या नहीं तो ब्लैक आ सकता है। इसको बैग टू में डाल दो। तो अब जो तुम्हारा बैग टू होगा इसमें क्या हो जाएगा, व्हाइट डाल रहे तो 8 व्हाइट होगा, 9 ब्लैक रहेगा। और इसमें क्या होगा, एक ब्लैक डाल रहे हो तो 7 व्हाइट और 10 ब्लैक हो जाएगा। ये हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, एक व्हाइट आने के 5/9 और एक ब्लैक आने के इसमें से 4/9। अब क्या कर रहे हैं, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड वन, सेकंड वन से एक बॉल ड्रॉ किया, इससे जो है एक बॉल तुम क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तुमको ये बताना है कि ये व्हाइट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ से व्हाइट निकालोगे तो कितना होगा, 8/17, और यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, 7/17। रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 5/9 × 8/17 प्लस 4/9 × 7/17 153, तो नीचे 153 हो गया और ऊपर होगा 40 प्लस 68/153 हो गया। सिंपल तो था, ठीक है ना। एक बैग वन ये है और ये जो है बैग टू है, एक बॉल निकाला बैग टू में डाल दिया। सर ये टिक बार फिर से बता दीजिए ना, ये देखो उसमें क्या कह रहा है ना कि 5 व्हाइट है और 4 ब्लैक बॉल एक बैग में है और दूसरा बैग में 7 व्हाइट 9 ब्लैक बॉल है। पहले क्या किया, बैग वन से एक बॉल निकाला बैग टू में डाल दिया। अब तुम एक बॉल यहाँ से निकाल के बैग टू में डालोगे तो वो एक बॉल क्या होगा, व्हाइट भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है कि नहीं। एक बॉल निकाला इसमें डाल दिया तो वो बॉल जो है व्हाइट भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है। तो अगर व्हाइट निकला इसको डाल दिया इसमें और दूसरा केस ब्लैक निकाल के डाल दिया तो इसमें एक बॉल बढ़ जाएगी। तो 8 व्हाइट और है ना 7 व्हाइट था, एक व्हाइट डाल दो, 8 व्हाइट 9 ब्लैक और इसमें 7 व्हाइट 10 ब्लैक हो गया। एक बॉल ड्रॉ किया तो 8/17 हो जाएगा, है ना। एक क्या ड्रॉ करे व्हाइट तो 8/17 7/17 व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी दोनों स्टेप को मल्टीप्लाई कंडीशनली। सर आप दोनों को ऐड करके क्यों लिखो, ऊपर में न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखेंगे। सर आप प्रोबेबिलिटी में गिवन कहाँ है, मतलब इसको टारगेट, इसको तो टारगेट ही नहीं कर रहे ना, इसको तो टारगेट नहीं कर। जब तक ये गिवन और ये टारगेट नहीं हो, ये गिवन इवेंट हो और ये टारगेट नहीं कर रहे तब तक बेस नहीं लगेगा। उन्होंने सिंपल बोला ना कि सेकंड जो है व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बता दो, सेकंड जो है वो व्हाइट हो जाए, सेकंड ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सेकंड ड्रॉन बॉल के व्हाइट होने के, मतलब पूरा व्हाइट।
फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट ना इन ए फैक्ट्री एक बोल्ट रैंडम ड्रॉ किया फ्रॉम द प्रोडक्ट और उसको मिला के डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी दैट वो मशीन बी से बना होगा, प्रोबेबिलिटी बताओ इसकी क्या होगी। वो क्वेश्चन ये मानो ना। अच्छा एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन कर नहीं रहे थे इसमें एक चीज यही वाला है, पहले ये देख लो इसमें एक चीज नहीं ध्यान रखे हैं, जैसे बता रहे एक्चुअली हम लोग वहां पर गलती किए ना, इट कंटेन्स एस ऑफ स्पेड्स लिखा हुआ था, हम लोग एक स्पेड ले रहे हैं ना, वो ये नहीं कह रहा है। इसमें ये हुआ कि देखो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या बोल रहा है कि कम से कम दो एस की ही बात करनी है, तो हम ये वाला केस ले रहे हैं, उससे कम वाला केस नहीं लिया, दो एस एस की एक किंग, और दूसरा हो जाएगा तीन एस जीरो किंग, ठीक है ना। ये दो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो एस आने की, ठीक है ना, दो एस ले लो तो 4c2 into 4 किंग में से एक डिवाइडेड बाय 8c3 तो ये हो जाएगा 24/56, और ये हो जाएगा 4c3 एस किंग और 8c3 तो ये आ जाएगा 4/56, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला कि इसमें एस ऑफ स्पेड्स है, तो वहां पे हम लोग क्या गलती की ना, एक एस ऑफ स्पेड ले लिया, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, तो एक एस ऑफ स्पेड्स ले लिया, एक एस ऑफ स्पेड्स नहीं कह रहा है कि उसमें सिर्फ एस ऑफ स्पेड्स है, तो यानी दोनों एस ऑफ स्पेड है, ठीक है ना। ए नहीं लिखा हुआ ना, ए नहीं लिखा हुआ, ए लिखा रहे तो तब ना एक मानते, कह रहे कि इट कंटेन्स एस ऑफ स्पेड्स लिखा हुआ, तो मतलब प्लूरल है, तो इसमें क्या होगा, बोथ स्पेड्स, दोनों स्पेड्स होगा। तो अब यहाँ पर अगर दो कार्ड तुमने ड्रॉ किया है और दोनों कार्ड अगर स्पेड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन हो जाएगा, है ना। दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हो और वो दोनों कार्ड क्या होगा, स्पेड होगा, वन हो गया, है ना। यहाँ पर ना तीन एस में से दो कार्ड जो है इसका हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसका इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बताओ, ये जो ये तो वन हो गया ना, कि दो एस ले रहे हो, ठीक है ना, कह रहे कि दोनों इक्का है,
तो दोनों दोनों एस है, तो दोनों एस जो है स्पेड्स का ही है, तो दोनों स्पेड्स का ले लो एस। और यहाँ पर क्या होगा, तीन एस है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दो एस ऑफ स्पेड होगा और एक एस ऑफ स्पेड उसमें से सिलेक्ट कर लो, तो ये कितना होगा, चार हो जाएगा ना, चार हो जाएगा। ये वाला केस एक ही होगा और ये केस कितना होगा, चार केस होगा। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 24/56 इंटू 1+4/56 इंटू 4, तो ये हो जाए 24 और 16 40, 40/56, 8 × 40, 8 × 7। एक्चुअली दिक्कत क्या हो गई ना, हम लोग इसको बेस की तरह सोचने लगे, चार्ट बिना चार्ट करना चाहिए था, बिना चार्ट के होता ना तो मतलब कह रहा कि दोनों एस है ना, तो ये हो जाता। देखो ये तो और में कर दिया, ये फोर क्यों कह रहे, ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी होती ऐसी, क्या कह रहे हैं कि दोनों एस आना चाहिए, तो एस स्पेड दोनों एस का स्पेड का एक का आ गया, और इनटू तीन का ड्रॉ करना ना, एक किंग हो जाए, ये हो गया। प्लस प्रोबेबिलिटी तीन एस आ जाए, क्या होगा, दो का स्पेड का और प्लस एक का नॉन स्पेड का, ठीक है ना, नॉन स्पेड, ये हो जाएगा। तो अब देखो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये एक लाइन में ऐसे बन जाता, तो एस एस स्पेड, स्पेड का आने का कितना होगा, स्पेड आने का तो कितना स्पेड, दोनों स्पेड है, दोनों स्पेड हम ले लिया, ठीक है ना, तो एक किंग लेना है, है ना, एक किंग लेना है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो क्या है कि एस स्पेड दो स्पेड है, स्पेड और स्पेड दोनों स्पेड और एक किंग लेना है, तो दोनों स्पेड आने का कितना होगा, 24/56 इंटू 1, और ये क्या है, दो एस लेना है, तो दोनों एस ले लिया, अब क्या होगा, एक नॉन एस, एक नॉन स्पेड लेना है एक का, तो बचेगा कितना, दो बचेगा ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी, 4/56 इंटू, अब एक नॉन स्पेड लेना है, एक जो है हमारे पास नॉन स्पेड लेना है, तो ठीक है ना, मतलब नॉन स्पेड किंग लेना है, तो वो वाला कितना आएगा, चार केस बनेगा ना, इंटू चार हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 40/56, ऐसे बना सकते हो, तो ये हो गया। अगला ये वाला बनो, इन फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर, हाँ सर उसका फोर कैसे आया, तीन एस और जीरो किंग का, तीन एस और जीरो किंग, यस सर, हाँ फोर लिख रहे हैं यहाँ पर ना, इसमें ये हो जाएगा कि एक किंग लिया है, इसमें फोर कैसे ले लिया था, यहाँ पर दो स्पेड लेना है, तो दोनों स्पेड आ रहा है, और गिवन भी है कि दोनों एस ऑफ स्पेड्स है, तो दोनों एस ऑफ स्पेड्स आ जाएगा, तो यहाँ तो वन कर लेंगे, लेकिन इसमें भी ना एक चीज और करना चाहिए यहाँ पर, कि दोनों एस ऑफ स्पेड आ गया, तो अब बच जाएगा एक एस ऑफ स्पेड ही लेना ना, एक एस ऑफ स्पेड का चार केस, क्यों किंग तो ले ही नहीं रहे, होगा नहीं वो फोर नहीं होगा सर। हम्म, सर उसमें दो एस है स्पेड का, हम्म, केसेस बनाना पड़ेगा, पता है केसेस बना बना के लिखना होगा, एस का स्पेड, एक जो है किंग होगा, तो यहाँ पर जो है ना टोटल कितना होगा, चार हो जाएगा। अरे हम केसेस बना के बताते हैं, केसेस बना के लिखना पड़ेगा, ऐसे में मुश्किल हो रहा है, तो सिलेक्शन हो जा रहा है ना, तो वो ओवर काउंटिंग चली जा रही है दोनों में,
ये क्वेश्चन बेस करने टोटल प्रोबेबिलिटी पे जा रहा है तो ओवर काउंटिंग चली जा रही है, वो हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे भी काउंट हो चुका और यहाँ पे आने के ना फिर से वही चीज काउंट कर दे रहा है, तो इसलिए रिपीटेशन हो जा रही है बहुत बार। अब लिखते हैं ये वाला बनाओ, इसमें लिखने में भी हो जाता है, पेज को बनाना पड़ेगा। ये वाला बनाओ, इन अ फैक्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर बोल्ड मशीन से भी कौन एक तीन कार्ड ड्रॉ कराना, आठ कार्ड सर 28/69 ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन एबीसी मैन्युफैक्चर्स कितना, तो स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मशीन ए पे जाएंगे, मशीन बी पे जाएंगे और मशीन सी पे जाएंगे, तीन मशीन से तीनों स्टार्ट करेगा और कह रहा मशीन है 25%, 25/100 है ना, बी कितना कर रहा है 35/100, सी जो है वो कह रहा 40/100, ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4, and 2% आर रिस्पेक्टिव डिफेक्टिव, तो ए से जो है निकलेगा वो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, बी से भी निकलेगा तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, सी से भी निकलेगा तुम्हारा डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ठीक है ना, ये बोल्ट इज एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और एक बोल्ट तुमने निकाला है वो डिफेक्टिव मिला तुमको, ठीक है ना, मतलब हम जो है वो एक्चुअली वही लेना, डिफेक्टिव मिल गया तुमको तो बताना है कि वो उससे मिला होगा, ये जो है तुमको क्या मिला, एक सेलेक्ट किया तो वो डिफेक्टिव आ गया, तो एनडी का लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सीधे ये और यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से बनाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब सबकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ए में कितना होगा, जितना उसने आउटपुट किया उसका 5%, है ना, इसका 5% यानी कि डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये बताओ, डिफेक्टिव ऑफ देयर आउटपुट इतना परसेंट आर रिस्पेक्टिव डिफेक्टिव वोल्ट्स, ठीक है ना, तो कितना होगा ये बताओ, 5% तो यानी कितना हो जाएगा 0.05, यही होगा ना, 4% बी का 0.04 और सी का कितना है 0.02, ये होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उसने क्या बोला है किससे होना चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, बी से होना चाहिए, तो बी के लिए होने के लिए 0.35 है, 0.35 × 0.04 और डिवाइडेड बाय 0.35 × 0.04 प्लस बी का भी पहले लिख दिया 0.25 × 0.05 और प्लस 0.4 × 0.02, ये आ जाएगा, ये कर लेना तो अपना मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना, तो 28/69 आ जाएगा, ये आ जाएगा 28/69, ये
ये बॉक्स कंटेन्स थ्री कॉइन्स ए बी सी, तीन कॉइन्स है, ए नॉर्मल कॉइन है, बी डबल हेडेड कॉइन है, ठीक है ना, और सी जो एक वेटेड कॉइन है, ठीक है ना, सो डेट पी एच जो है वो 1/3 है. ठीक है ना, वेटेड कॉइन का पी एच 1/3 गिवन है. वेटेड कॉइन, वेटेड कॉइन समझ है ना, बायस्ड कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. बनो इसको. सर फर्स्ट का 11/18 बाय 18 ठीक है. सर सेकंड का 3/11 3/11 ठीक है. तो हमने स्टार्ट किया तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा, बी मिलेगा और
सी आएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है ना। अब क्या है, पहला वाला नॉर्मल कॉइन है, ये जो है वो क्या है, नॉर्मल कॉइन है, पहला नॉर्मल है, दूसरा क्या है, डबल हेडेड कॉइन है, और तीसरा क्या है, बायस्ड कॉइन है, ठीक है ना। तीसरा जो है बायस्ड कॉइन है, ये डबल हेडेड है, ये नॉर्मल कॉइन है। अब क्या करें, नॉर्मल कॉइन में टेल और हेड आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो गई। बायस्ड में, ये डबल हेडेड में तो टेल और हेड आ रहा है, तो टेल तो आ ही नहीं सकता, हेड आने का मतलब डबल हेडेड मतलब दोनों साइड हेड है। अब बायस्ड में क्या है, हेड और टेल आने का, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 गिवन है, तो इसकी 2/3 हो जाएगी। अब पहले में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स, तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी सब हेड को लिख दो, तो 1/3 × ½ + 1/3 × 1 + 1/3 × 1/3, ये क्या, तो 6 × 18 एलसीएम हो जाएगा, और 3 × 6 = 6, 3 और प्लस 6 और प्लस 9 × 18, 6 × 9 = 11, 11/18। सर सी का 7/18, 7/18, ठीक है। बी में क्या कर, इफ हेड अपीयर प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉर्मल कॉइन, तो पी ए बाय एच बताना है, तो नॉर्मल कॉइन लेना है, तो नॉर्मल कॉइन लेना है, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, रुक जा, ए बाय एच, तो मतलब दिया हुआ है कि हेड आ चुका है, हेड आ चुका है, है ना। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले स्टेप लिख दो, 1/3 × ½ और डिवाइडेड बाय 1/3 × ½ + 1/3 × 1, बेस थ्योरम 1/3 × 1/3, तो याद रहेगा 1/6 / 11/18, दैट विल बी 3/11। और सी में क्या कह रहे हैं, सी में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल अपीयर्स, तो टेल दो तरह से कर सकते हो, 1 - PH भी कर सकते हो लेके, अगर हेड निकाला है तो 1 - 11/18, तो डेट विल बी इक्वल टू 7/18 ऐसे, या नहीं तो ऐसे कर दो, ये हो जाएगा ना, इस स्टेप को मल्टीप्लाई कर दो, 1/3, 1/2, 1/3 × 0 + 1/3 × 2/3, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/18। और डी पार्ट में क्या कह रहा है, C/T, है ना, वेटेड कॉइन होना है, तो वेटेड कॉइन वाला स्टेप लिख दो, 1/3 × 2/3, और नीचे क्या आ जाएगा, 1/3 ½ + 1/3 × 2/3, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/7, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है। अब ये बनाना है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, और उसमें देना ये वाला क्वेश्चन हम बताएंगे, इसमें सीक्वेंस लिख के बनाना है, और वो अभी भेजते बना के, ये दोनों बनाओगे घर पे, और ये अभी करो, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक फेयर कॉइन को टॉस किया है, इज टॉस्ड 3 times, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू टाइम्स हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली दो बार हेड अपीयर हो रहा होगा, एग्जैक्टली टू टाइम्स हेड अपीयर्स,
बना देखो इसमें क्या हुआ कि ये कह रहे ना एक फेयर कॉइन हाफ नहीं आएगा, एक फेयर कॉइन को टॉस किया तीन बार, ठीक है ना, तो दो बार हेड आना चाहिए। एक फेयर कॉइन को तीन बार टॉस किया हो तो दो बार हेड आएगा, तो रिक्वायर्ड जो एक कॉइन को तीन बार टॉस किया तो ए फेयर कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स, ऐसा हो सकता है ना कि हेड प्लस हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, अब फिर टेल है उसके बाद हेड आ जाए, ये कैसे कितना होगा, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ और प्लस हाफ इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री पर एट, ये हो जाएगा थ्री पर एट। सीक्वेंस मेथड है को ऐसे कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो तीन से दो बार हेड आ चाहिए, थ्री से टू इनटू हेड आने का हाफ है और दो बार हेड आ रहा है और एक बार टेल आ रहा है, तो ये हो जाएगा थ्री बाय एट। ऐसे इसमें ये क्या क्या है, टू पोजीशंस जो भी है, टू पोजीशंस सिलेक्टेड फॉर टू बी हेड, हेड आने के लिए कौन से दो पोजीशन पे हेड आएगा और ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई और ये टेल की हो जाएगी, फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो थ्री बाई टेन ऐसे, ठीक है फिर चलो बाकी बना लेना उसमें से, है ना, ये वाला हम करते हैं अभी, ठीक है फिर चलो एक बार ना इस वीक में छुट्टी हुआ तो इनसे लास्ट ईयर का ना जेई का क्वेश्चंस भी ट्राई करना, ठीक है ना, उस बेस थ्योरम पे ही सब होगा, मतलब सारे 2017, 16, 15 सब में एक क्वेश्चन तो बेस थ्योरम पे फिक्स है और दूसरा ये बाइनोमियल इस वाले पे आता है, तो बेस थ्योरम पे वही होगा तुम्हारा, मतलब देखना ना कि हर में एक एक होगा, एक बार ट्राई करना, तो एंड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फिर चलो।